चलिए इसी के साथ बुलेटिन की कर लेते हैं शुरुआत। जी हाँ, आज जस्टिस संजीव खन्ना आज देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी, जहां जस्टिस संजीव खन्ना अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ये पद संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए वो कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा भी रहे हैं। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को निराधार करार दिया और पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग को भी खारिज कर दिया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों की उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के 2019 के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस खन्ना की पीठ ने ही पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामलों में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, तो वहीं वो अगले साल यानी कि 13 मई को सेवानिवृत्त होंगे। और जस्टिस संजीव खन्ना ने जिला कोर्ट के वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उनका किस तरीके का कार्यकाल रहा है अभी तक का, उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। एक वकील के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की, उसके बाद में आपको बता दें कि उनका जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और दिल्ली बार काउंसिल में 1983 में वकील के रूप में नामांकित हुए थे जस्टिस संजीव खन्ना, जो आज नए प्रधान न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। और उनके करियर की अगर हम बात करें तो शुरुआत में दिल्ली के विभिन्न जिला अदालतों में उन्होंने प्रैक्टिस की है और इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में संवैधानिक कानून प्रत्यक्ष कराधान में भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है। उनके करियर की जब हम बात करते हैं, साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्हें पदोन्नत किया गया, प्रमोशन उनको दिया गया। उसके बाद में साल 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना बने। इसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी कई पदों पर वहां पर रहे हैं। विभिन्न समय पर दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष प्रभारी भी जस्टिस संजीव खन्ना रहे हैं, जिन्हें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और 18 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए थे जस्टिस संजीव खन्ना। 17 जून से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष भी जस्टिस संजीव खन्ना रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल की गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं। तो ऐसे में जो अभी तक का उनका कार्यकाल रहा है, उनके करियर किस तरीके का रहा है, वो हमने बात की। और अब जस्टिस संजीव खन्ना आज शपथ लेंगे, उसके बाद में 13 मई 2025 यानी कि अगले साल वो सेवानिवृत्त होंगे। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था और किस तरीके का कार्यकाल उनका रहा है वो हमने आपको बताया। दिल्ली बार काउंसिल में 1983 में वकील के रूप में भी नामांकित वो हुए। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में विकास सारथी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, आज नए प्रधान न्यायाधीश देश को मिलने जा रहे हैं? बिल्कुल, 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलाएंगी 51वें भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर। और जैसा आप बता रहे हैं कि बिल्कुल उनका जो मुख्य तौर पर कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले रहा है, वो दिल्ली हाईकोर्ट से ही जुड़ा रहा है। वो लगभग 14 साल दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण फैसले वहां पर उन्होंने दिए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी जो अब तक उन्होंने लगभग 117 फैसले लिखे हैं जिनमें वो बेंच का हिस्सा रहे या बेंच को हेड कर रहे थे। आमतौर पर उनको जो उन्होंने फैसले दिए हैं वो क्रिमिनल मैटर से जुड़े केसेस में दिए हैं। और हाल के अगर हम फैसलों की बात करें तो सबसे रीसेंट का जो जजमेंट था, जो अल्पसंख्यक संस्थान को लेकर के परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस बेंच का भी वो हिस्सा थे जिसने अभी ये फैसला दिया। इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें तो आबकारी नीति, दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी कई जमानतों के मामले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला हो या अन्य आरोपियों का हो, इस तरह के मामले भी उनके सामने आए। हालांकि उनका कार्यकाल सीजीआई के तौर पर बहुत लंबा नहीं है, लगभग 6 महीने का उनका कार्यकाल है, लेकिन जैसा हमने उनका अब तक का अनुभव देखा है, खासतौर से नालसा के वो एक तरीके से जो दिन
जो नियमित कामकाज होता है, दैनिक कामकाज होता है नालसा का, उसको वही अब तक देखते आए हैं। और इस बीच में देखा कि नालसा ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ना केवल केसेस को देखते हैं, केसेस की सुनवाई करते हैं, इसके अलावा वो कई कमिटीज का भी हिस्सा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी अंदरूनी कमिटीज हैं, इसके अलावा नालसा का कामकाज है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, तो बहुत सारी भूमिकाओं में वो अब तक भी काम करते आए हैं। लेकिन बतौर सीजीआई उनकी कुछ आप कह सकते हैं जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बिल्कुल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो एक लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं, दो साल में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके में, तो उनका छह महीने का जो कार्यकाल है वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह के बदलाव हम सुप्रीम कोर्ट की कामकाज में देख रहे हैं, जो बहुत तेजी से बदलाव सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में देखा जा रहा है, तो ये छह महीने भी काफी अहम होंगे। जी, अब विकास, आखिर कितने बजे राष्ट्रपति भवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा और किस तरीके की तैयारियां इस वक्त वहां पर चल रही हैं? बिल्कुल 10 बजे कार्यक्रम, शपथ कार्यक्रम शुरू हो जाने की संभावना है, और बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम होता है। सिर्फ ओथ की अनुमति, ओथ लेने के लिए जो राष्ट्रपति के सचिव हैं वो एक अनुमति लेते हैं राष्ट्रपति से, और उसके बाद सिर्फ ओथ होती है, तो कुछ मिनटों का ही कार्यक्रम होता है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो किया जाता है। तो 10 बजे का कार्यक्रम है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस संजीव खन्ना को सीजीआई पद की शपथ दिलाएंगे। जी, जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है कि वो ऐसी कमेटीज में रहे हैं, इस पैनल में रहे हैं जिनमें कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, आगे भी कहीं ना कहीं इस तरीके की उम्मीद की जाएगी उनसे, क्योंकि 2025 में 13 मई को वो रिटायर होंगे अगले साल, तो उससे पहले कहीं ना कहीं कई सारे अहम फैसले उनके जरिए हम देख सकते हैं? अब बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक हुए हैं, छह महीने का कार्यकाल भी ना तो बहुत छोटा है ना बहुत लंबा है। यहाँ तक कि जो जजेस 15 दिन एक महीने के लिए भी हुए हैं, वो हमेशा एक ना एक लीगेसी छोड़ के जाते हैं। हमने देखा है कि एक बदलाव वो अपने स्तर पर करके जाते हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना की लीगेसी क्या होगी इन छह महीनों में, वो तो साफ समय के साथ हो पाएगा। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में बदलाव हमने नोटिस किया है पिछले कुछ सालों में, वो बहुत तेजी से हुआ है, चाहे वो देश भर की अदालतों में डिस्पोजल के रेट की रियल मॉनिटरिंग हो कि कितने केसेस हर दिन एक जिला अदालत डिस्पोज ऑफ कर रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को पेपरलेस करने का काम हो, पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है सभी कोर्ट को, ये इनिशिएटिव जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का था, तो हर सीजीआई एक इनिशिएटिव अपने साथ लेकर के आता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा